तरह से देरी से धान उठाव होने की वजह से विपक्ष पहले से ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र में समिति और राइस मिलर की मिलीभगत कर बाहर से धान की चोरी छिपे सप्लाई करने का मामला सामने आया है। मामला विकासखंड भरतपुर के माड़ीसरई में देखने को मिला है, जहां समिति प्रबंध और राइस मिलर की मिलीभगत से एक किसान की यहां से 80 बोरी धान ट्रक में लोड करते भरतपुर तहसीलदार ने जब्त किया है। भरतपुर तहसीलदार को सूचना मिली कि माड़ीसरई में धान खरीदी केंद्र के मिलर को किसानों से चोरी छिपे धान की सप्लाई की जा रही है। आज भी सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो राइस मिल में समितियों से मिल तक का धान पहुंचने वाली ट्रक, जिसका संख्या CG16CG6991 है, एक किसान के घर में धान लोडिंग कर रहा था। जांच करने पर 80 बोरी धान का वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया। वही ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि समिति के प्रबंधक ने उसे किसान के घर से धान लोड करने को कहा। मैंने फोन लगाकर मिल मालिक को जानकारी दी तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार पता चला है कि यह गाड़ी डीडीए क्लब के धान समिति माड़ीसरई लोड करने आई थी, जो ग्राम चिडौला में धान लोड कर रही है। जांच किया गया है कि ग्राम चिडौला में पाया गया, जिसमें कि बताया गया कि 80 बोरा धान लोड किया गया है, और इस संबंध में जांच का प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया गया है। 3-4 बजे आए, उसके बाद फिर गाड़ी लगवाया वहीं तो 280 बोरी लोड कराया। उसके बाद फिर बोलता है कि दूसरे जगह से लोड होगा। फिर उसके बाद मैं सेठ को लगाया फोन अपने, तो फिर उसके बाद फिर उसको वो राइस मिल सेठ को लगाया फोन, तो बोला ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। कि जो गाड़ी डीडीए ग्रुप की माड़ीसरई समिति से धान लोड करने आई हुई थी, वो चुड़ैला ग्राम में धान लोड कर रही है, उस संबंध में जांच किया गया तो वो वाहन जो है चिड़ौला में ग्राम चिड़ौला में पाया गया, जिसमें बताया गया कि 80 बोरा धान लोड किया गया है। तो इसके संबंध में जांच कर प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया जा रहा है। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया सूरजपुर सरगुजा छत्तीसगढ़।